पर हिमालय यानी कि सेसर ताल, और सेसर ताल का ये हमारा जो ये कैंपिंग का ब्लॉग, आपको ये वाली ट्रिप में आपको सेसर ताल लेके जाना वाला, तो गाइस इस पे जरूर आप जरूर इसको वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक शेयर करना। अभी हमारी यात्रा की शुरुआत गंगी गाँव से हो गई है, और आप ये काकड़ी में आप देख सकते हैं मैगी मसाला डाल दिया यार, बहुत ही स्पाइसी। इतनी खड़ी चढ़ाई कि क्या बोलना आप। ऐसे यहाँ से हो गई गाइस ठंड स्टार्ट, सो लो है ना, मतलब यहाँ पे रुकने की कुछ व्यवस्था देख रहे हैं। इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि गाइस आज यहीं में सोने का प्लान है और कुछ भी नहीं है। स्लीपिंग बैग थे हम, उसके अंदर अभी घुस रखे हैं कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला हूँ। मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ अपर हिमालय यानी कि सेसर ताल, और सेसर ताल का ये हमारा जो ये कैंपिंग का ब्लॉग है ये कुछ इस प्रकार होने वाला है। और मेरे साथ जा रहे हैं अंकल जी, जा रहे हैं अंकित अंकल जी और नितिन, और मैं जा रहे हैं, और ऊपर से गंगी से शायद एक दो लोग या गाइड गुड ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो गाइस मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बिल्लेश्वर धाम से, और आप ये बिल्लेश्वर धाम देख सकते हैं, और यहाँ से हमारे आराध्य देव शिव जी का एक बार दर्शन, धाम के दर्शन करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। और तो गाइस हमारी यहीं से यात्रा की शुरुआत हो रही है, और भोले आप देख सकते हैं तो उन्हीं के मंदिर के दर्शन से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। तो गाइस बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में और निकलते हैं भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। हाँ बड़ी जी, हाँ बड़ी जी, बाग रचना आपका। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गंगी, आप ये सामने गंगे का बोर्ड देख सकते हैं, और ये हमारे अंकल जी जो हमें यहीं तक ड्रॉप करने आए थे और यहीं से घर जाने वाले हैं। चलो ठीक है अंकल जी, बेस्ट, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से जाना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ से जाने वाले हैं अंकी अंकी अंकल और नितिन भाई और मैं, और ये हमने स्लीपिंग में कुछ इस प्रकार डाल दिए हैं। तो गाइस यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, और आप भी देख रहे होंगे ये अंकी अंकल, ये अंकल हमारे, और नितिन आगे जा रहा है, और ये मैं हूँ, और मेरा बैग आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मैं लोड हो रखा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। तो गाइस आपको ये वाली ट्रिप में आपको सेसर ताल लेके जाना वाला, तो गाइस इस पे जरूर आप जरूर इसको वॉच करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाइक शेयर कर रहे, और गाइस ये आप ही के लिए इतना कुछ। तो गाइस अभी हमारी यात्रा की शुरुआत गंगी गाँव से हो गई है, और आप ये देख रहे होंगे, और ये भाई जी हमारे साथ जो हमारे साथ गाइड हैं बेसिकली जी, आप अशार सिंह है मेरा नाम, और भाई जी का अच्छा प्राइस है, प्राइस नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस पे ले जाते हैं, लगभग ये 1500 या 2000 रुपये का डेली का है कुछ इस प्रकार से। और एक लग बैग इन्होंने ले लिया हमारा, और एक मेरे पास है, एक अंकल के पास है, अंकी अंकल के पास, और बाकी हमारी ये यात्रा है जो शुरू हो गई है। वाटरफॉल देख सकते हैं रास्ते में, बहुत ही खूबसूरत झरने दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है, और अभी हम मात्र 5 या 6 किलोमीटर चले होंगे, और ये हमने मुश्किल से 30 या 40 मिनट में कवर किया है ना भाई जी, इतने फास्ट चल रहे हैं, और भाई जी तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, पीछे तो देख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और ये हमारे भाई जो एडवेंचर करवाते हैं गंगे में, आप बिल्कुल इनको संपर्क कर सकते हैं। भाई जी का नाम मैंने बताया, अशार सिंह, अशार सिंह, और ये हमारे प्रिय मित्र नितिन जी, और ये हल्के फुल्के पसीना भी हो गई है, और ये हमारे पहाड़ी अंकल माउंटेन मैन। तो गाइस अभी कुछ भी नहीं है, अब है बहुत ज़्यादा चढ़ाई जो कि हमें पार करनी है, तो कुछ इस प्रकार है। बहुत ही मैंने जैसा सुना था लोग तो बहुत ज़्यादा डरा रहे थे, लेकिन गाइस मैं आपको जो एक्चुअल है वही ब्लॉग में बताने वाला हूँ, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि तुम्हारा बस का नहीं है, पहली बात तो ये थी हमारा बस का नहीं है, ये तो हम कभी हम हार मानने वाले नहीं है। तो अभी निकलते हैं, इसमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं, वाटरफॉल है, तो आप इनको एंजॉय करें, और पूरा ब्लॉग जो है वो बहुत ही सुपर्ब होने वाला है, बहुत ही यूनिक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ से अब अपर हिमालय स्टार्ट होने वाला है आगे से। अभी तो हम घनाघोर जंगलों के बीच में हैं,
यहाँ कुछ भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरा घनघोर जंगल है कुछ इस प्रकार से। जो गंगी गांव है बहुत पीछे छोड़ गया, नेटवर्क तो हमने गंगी से भी पीछे छोड़ दिया था, नेटवर्क तो है नहीं, फ़ोन बस फालतू में। यहाँ का फ़ोन का मतलब ये है कि बस खाली नेटवर्क नेटवर्क कुछ नहीं गाइस। तो गाइस कुछ इस प्रकार, तो अभी रास्ते में आप खूबसूरत नज़ारों का इंजॉय लीजिए। तो गाइस बने, तो ये आप बकरी का बच्चा देख सकते हैं बहुत क्यूट सा है। यहाँ से भाई जी मिले हैं हमें जो कि यहाँ पे इनकी बकरियाँ, कितनी बकरियाँ भाई जी आपकी यहाँ? 400 तक भाई जी की हैं, 400 तक बकरियाँ, और एक ही है उसको मैं अपने घर लेके जाने वाला हूँ। हैं तो गाइस कुछ ऐसे घनघोर जंगलों के बीच से जाना पड़ रहा है हमें, ये आप देख रहे होंगे। और बहुत ही गाइस मुझे एडवेंचर करने का वैसे बहुत शौक है और आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी ये प्यारी लोकेशन पहुँचे हैं, यहाँ का नाम बोलते हैं द्योपुरी कुछ इस प्रकार। भाई जी छह महीना। अच्छा अच्छा, ये आप नीचे विलंगना नदी देख सकते हैं, तो नीचे बिल्कुल विलंगना नदी पर सटी पहुंच चुके हैं हम। ये राम मंदिर देख सकते हैं जो कि देवखुणी में है कुछ इस प्रकार, और नीचे हमारी प्यारी विलंगना नदी कुछ आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो गाइस अभी 2 घंटे हो गए और ये हमारा सेकंड रेस्ट है। मैंने गोप्रो यहाँ पे असेंबल कर दिया है जिसकी वजह से कि मैंने अपनी गूगल जो इस प्रकार रखी है मैंने यहाँ पे। तो गाइस हमने खाना इतना नहीं ला रखा, भी देखो आप पार्ले जी देख सकते हैं जो हमारी एनर्जी का काम करेगी और इसे ही खा रहे हैं। अभी देखो 50-50 था, अभी ये था आधा भाई ने खाया आधा मैंने। तो गाइस इसी के साथ अभी हमारा यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, अभी हमने पार्ले जी बिस्कुट खाया। बिस्कुट खाने के बाद पहाड़ी का आखिरी, क्योंकि यहाँ से अपर हिमालय स्टार्ट हो गया है और सर्दी इतनी है कि हम ज़्यादा ठंड वाली चीज़ रह नहीं सकते, तो अभी हम काकड़ी खा रहे हैं। और भाई जी का यहाँ, भाई जी ने बोला है हमारे यहाँ काकड़ी नहीं होती गंगी में, तो अभी हम काकड़ी खिला रहे हैं। तो भाई जी कैसे हो रही है काकड़ी? बढ़िया है ना, ये लाया काकड़ी नितिन, पता नहीं चोर के लाया कहाँ से लाया, पर लाया भाई। तो गाइस ये काकड़ी में आप देख सकते हैं मैगी मसाला डाल दिया यार, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यूनिक टेस्ट आ रहा है। तो गाइस इसको एंजॉय करते हैं। तो गाइस काकड़ी खा के काफी एनर्जी आ गई है शरीर में, आप देख रहे होंगे चेहरे पे एकदम नई रौनक, नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ गई है। तो अभी हम उठाते अपने सामान को और निकलते हैं तड़ी उड़ार के लिए। तो गाइस देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। तो इसी के साथ अपने अपने बैग उठा दिए हैं और मैंने फिर से गोप्रो को असेंबल कर दिया। ये भाई जी की देख रहे हो स्टेप, देख रहे हो भाई जी के। तो गाइस वो सामने गंगी गांव देख रहे होंगे आप यहाँ, और इस लोकेशन को बोलते हैं कल्याणी, लास्ट पानी कल्याणी ये है। यहीं से हमने पानी लेके जाने वाला, ऊपर पानी नहीं मिलता धारों पे, तो गाइस यहीं पे हमें पानी भरना पड़ेगा। और यहाँ से अब आप देख रहे होंगे यहाँ से हम पहुँचे हैं कल्याणी में, और ये जो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ये पहाड़, ये चोटी, तो हमने अब यहाँ से इधर के लिए जाना है, फिर इस चोटी के ऊपर जाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, आधा है उसके ऊपर काफ़ी, वहाँ से बुग्याल स्टार्ट हो जाता है, तो अभी हम यहाँ पर पानी भर रहे हैं। तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी पुनी भरते हैं, थोड़ा खुद भी पानी पी लेते हैं, उसके बाद सीधा रास्ते पे सीधा चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला ऊपर पहाड़ी पे जाना है, सू वाली चोटी पे, और काफ़ी अब आगे से अब हल्की फुल्की चढ़ाई यहाँ भी, तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कल्याणी से मात्र थोड़ा ही आगे चले हैं, और यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है सीधा सहसरताल के लिए, और ये जाता है खतलिंग ग्लेशियर के लिए। जो खतलिंग वाला रास्ता है ये है यहाँ पे, और जो ये रास्ता जाता है ये जाता है सहसरताल, और यहाँ पे स्वास्थ्य का चिन्ह भी बना रखा है इस प्रकार। और यहाँ पे आप कभी भी आएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ये जाता है रास्ता जाता है खतलिंग के लिए, और ये ऊपर जो चढ़ाई वाला रास्ता है ये जाता है सहसरताल के लिए कुछ इस प्रकार। आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार ऐसे कुछ दिखेगा, पेड़ पे घंटे घुंटे टांग रखी है। इसी के साथ बढ़ते हैं, और यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई जो है, यहाँ से जो है खड़ी चढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। ये आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा पसीना से हालत ख़राब हो गई है, एकदम खड़ी चढ़ाई हो गई है स्टार्ट। ये भेजी भी हमारे साथ चल रहे हैं, और भाई जी को पता है हम कितना अच्छा चल रहे हैं ना भाई जी। हाँ भाई जी, अभी भाई जी के देखने से हम कितने बजे चले थे, हम 9 बजे चले गए। हाँ 9 बजे चले और 1 बज गए, अभी 1 बजे हैं, अभी 1 बज के देखो 1 बज के 11 मिनट हो गए, लेकिन हम बहुत सही चल रहे हैं भाई जी बोले, इतना कोई नहीं चल पाता जितना हम चल रहे हैं। तो गाइस चढ़ाई आप देख सकते हैं सीधा ऐसा है गाइस, ऐसे ये आप ऐसे मत देखिए इसको, सीधा ऐसे देखिए, क्योंकि यहाँ सीधा नीचे 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 सीधा ऐसा है, हालत ख़राब हो रही है बहुत भयंकर वाली। हल्की लिटिल भूख लग रही है, कुछ खाते हैं यार यहाँ पे।
तो गाइज आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्का दिन का जो भोजन हो रहा है वो हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की दाल और प्याज और टमाटर कटा हुआ है। ऊपर से हमने इसमें डाला हुई गढ़वाली नमक मिर्च जो पिसा हुआ होता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टे कर रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खा रहे हैं कुछ इस प्रकार से एनर्जी के लिए। अब मुझे लग रहा है कि मौसम ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि यहाँ एकदम कोहरा कोहरा जैसे छा रहा है चारों जगह। तो गाइस थोड़ा जल्दी, और यहाँ से हो गई गाइस ठंड स्टार्ट। तो गाइस आप देख रहे होंगे रास्ते में कुछ इस प्रकार मार कर रखा है कि ताकि कोई रास्ते भट गए ना। हाँ जी, तो गाइस अभी ये वाली चढ़ाई जो है इसके ऊपर हमने जाना है, उसके बाद तो काफ़ी और है कुछ इस प्रकार से। आज लगता है कि आज हम तड़ी उड़ा नहीं पहुंच पाएंगे, आज का स्टे हमारा शायद यहाँ होने वाला है क्योंकि टाइम भी 3 बज चुके हैं। तो लगातार 4 बजे तक हम चलते रहेंगे, 4 साढ़े 4 बजे तक, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइज आज का स्टे हमारा यहीं पे होने वाला है क्योंकि तड़ी उड़ार काफ़ी, आप ये देख सकते हैं यहाँ तक जाने में तो हालत ही ख़राब हो रही है, हम एक स्टेप भी नहीं चल पा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ जो इकट्ठे कर रहे हैं इस प्रकार आप देख सकते हैं, और यहीं पे हमारा टेंट, बेसिकली हमारा टेंट तो नहीं ला रखा लेकिन तिरपाल और ऐसी कुछ व्यवस्था है क्योंकि टेंट का वेट इतना भारी था कि जो हम नहीं ला सकते थे। और फिर हमने ये ठीक भी नहीं समझा क्योंकि काफ़ी लोगों ने सजेशन लिया कि टेंट लो ना लो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्लान था तड़ी उड़ार का इसलिए हमने टेंट नहीं रखा था। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तिरपाल है, स्लीपिंग बैग है, प्लस कम्बल कुम्बल है, तो उसी में आज हमारी रात कटने वाली है। और यहाँ पे हम अभी लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, और नितिन और मुझे काम मिला है लकड़ी हमें इकट्ठे करने, और बाकी अंकित चाचा और जो हमारे साथ वो आ रखे हैं उनको जाना है पानी के लिए, और पानी के लिए कम से कम इन्हें 6 या 7 किलोमीटर बहुत डाउन तक जाना पड़ेगा, फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी कुछ इस प्रकार। तो ऊपर के साइड पानी नहीं था, या तो सीधा तड़ी उड़ार मिलता या तो नीचे ही मिलता, तो गाइस इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे हमें ठीक लगा कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था अच्छी, मतलब कि रुकने के लिए काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे लकड़ियाँ भी हैं इसलिए हमने सोचा कि लकड़ियाँ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पानी भी ज़्यादा दूर नहीं था तो पानी के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए गाइस हमारा प्लान यहीं पर बना, हम यहीं पर आज स्टे करें। तो अभी हम यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं। तो गाइस आप ये देख रहे होंगे अभी हमने यहाँ पे आग जला दी है और लकड़ियाँ इतनी हमने इकट्ठी की हैं जो इस प्रकार देख सकते हैं, इतनी लकड़ियाँ हमने इकट्ठी कर रखी हैं और इकट्ठी कर रखी है। और गाइस आज यहीं में सोने का प्लान है और कुछ भी नहीं है क्योंकि हम तड़ी उड़ान नहीं पहुँच पाए और यहीं पर हमारा प्लान है। और जो त्रिपाल है ये आधा हम बिछाने वाले हैं और आधा हम ऊपर अपने ऊपर ही इसे ओढ़ने वाले हैं, और प्लस स्लीपिंग बैग है, प्लस मोटे मोटे कपड़े पहन के, जैकेट पहन के हमें सोना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। मैं अभी पूरा आप देख सकते हैं ये लोअर डाल दिया है और एक जैकेट डाल दी है, अंदर से एक इनर डाल दिया गर्म वाला, तो कुछ इस प्रकार अभी टोपी डाल दी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है रात को क्योंकि यहाँ पाला अभी से पड़ने लग गया है। तो आज का हमारा जो नाइट होल्ड है वो यहीं होने वाला है, और यहाँ पर जला दी हमने आग, और ये यहाँ पर नितिन भाई जो कि ठंड के कारण स्लीपिंग बैग के अंदर घुस रखे, और रास्ता उस साइड से हमने यहीं पर थोड़ा ठीक लगा करने के लिए। तो गाइस पूरी तरह जंगल में रात पड़ चुकी है और आज का जो ये जो नाइट है मेरी जो फर्स्ट ये हो रही है, कैंपिंग ही बोल सकते हैं आप, जो ये कैंपिंग की मेरी नाइट है, ये फर्स्ट टाइम आज, फर्स्ट डे या फर्स्ट टाइम आज जंगल में गुजर रही है कुछ इस प्रकार। और अभी हमने यहाँ पे मैगी बना दी है और लकड़ियाँ इकट्ठे कर रही है और आग जला दी है और यहाँ पे थाली लगने वाली है हमारी, और ये आप देख सकते हैं। तो गाइस लो लाइट में आपको पता है गोप्रो काम नहीं करता है, यहाँ पे हमने आग जला रखी है कुछ इस प्रकार, और ये बन रखी हमारी मैगी, और ये यहाँ पे थाली लग चुकी है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये अंकल, और एक ही है खा रहा हूँ भाई जी आ रहा हूँ इस प्रकार। तो गाइज अभी हमने जो स्लीपिंग बैग थे हम उसके अंदर अभी घुस रखे हैं कुछ इस प्रकार से, ये आप देख रहे होंगे, और ये मैं सो रखा हूँ यहाँ पे, और ये नितिन सो रखा है, और वहीं बगल में अंकल जी सो रखे हैं, और रात हो गई है। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और कल पार्ट 2 आएगा इसका, तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको गाइज़ ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।